थ्रिलर एनिमी एक ऐसे तरह का एनिमी है जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, डिटेक्टिव वाले सीन देखने को मिलते हैं, लाइक इस चीज को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, डिटेक्टिव वाले थोड़े कमी सीन देखने को मिलते हैं, बट थ्रिलर एनिमी का मतलब है जहाँ पे तुम्हें पल पल में तुम्हारा हार्ट रेट ऊपर जाए और नीचे आए। वैसे ही एनिमी अगर तुम देखने की तलाश में हो तो तुम लोगों के लाया हूँ टॉप 5 ऐसे एनिमी। हाँ, मुझे ये गिने चुने टॉप 5 ऐसे एनिमी मिले जो कि सच में थ्रिलर वाले एनिमी हैं। एंड अगर तुम लोगों को और पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उन्हें देखूंगा और फिर से एक और वीडियो बना दूंगा पार्ट 2 में। तो स्वागत है तुम सभी लोगों का KDI मूवीज में। एंड आज की वीडियो में तुम लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 5 थ्रिलर एनिमी जो कि तुम्हारी सांसें अटका सकते हैं। तो हाँ, सबसे पहला एनिमी है हमारा डेथ नोट। अब इसका नाम तुमने सुना होगा एंड इसे मैंने बहुत सारी वीडियोस में अपने कवर भी कर रखा है। अब डेथ नोट एक ऐसा एनिमी है जो कि बहुत ही तगड़ा थ्रिलर एनिमी है। 720 पिक्सल पे आने वाला एनिमी तुम्हें बहुत सारी थ्रिल देता है। 10-10 सेकंड में तुम्हें वो ट्विस्ट देखने को मिलते हैं जो कि काफी ही खतरनाक ट्विस्ट होते हैं। मतलब तुम बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये हो सकता है। इस एनिमी में स्टोरी दिखाई गई है हमारे मेन कैरेक्टर लाइट यागामी की, जिसको एक बुक मिल जाती है जो कि डायरेक्ट हेल से गिरती है, और उस बुक में अगर वो किसी का भी नाम लिख देता है तो डायरेक्ट हार्ट अटैक से मारा जाता है। अब स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही चल रहा होता है। ये बंदा मुजरिमों के नाम लिखता था और वहाँ पे जिस भी मुजरिम का नाम लिखता था वो करीब कुछ सेकंड में मर जाता था। स्टार्टिंग में पुलिस को ये नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे हर एक जेल से हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई मुजरिम हार्ट अटैक से मारा जाता था। अब यहाँ पे पुलिस को ये चीज सही नहीं लगती है और पुलिस एक डिटेक्टिव को हायर करती है कि भाई तू पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे आदमी को ढूंढ जो कि पता नहीं किस सुपर पावर से यहाँ पे लोगों को मार दे रहा है। अब सोचो ये पॉसिबल है, बट वो डिटेक्टिव ढूंढ देता है। अब सोचो वो डिटेक्टिव कितना तगड़ा दिमाग का होगा, और उस डिटेक्टिव को डिटेक्टिव के साथ कीड़ा रहता है और किसी को पता भी नहीं रहता कि यही वो विक्टिम है जो मार रहा है। लेकिन यहाँ पे लास्ट में एक ऐसा थ्रिल और इतना तगड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है जो कि तुम्हारा दिमाग हिला के रख देगा। वो ट्विस्ट क्या है इसे जानने के लिए तुम्हें देखना होगा इस एनिमे को। एनिमे काफी औसम है, 720 पिक्सल पे बहुत औसम फीलिंग देता है। चेकआउट जरूर से करना, काफी मजा आएगा। बहुत सारे लोग इसे बिगिनिंग में देखते हैं, अगर तुम बिगिनर हो तो इस एनिमे को जरूर से कंक्लूड कर सकते हो, काफी मजा आएगा। अब दूसरा एनिमे है हमारा टोक्यो घोल। अब ये थोड़ा हॉरर टाइप का एनिमे होता है। यहाँ पे घोल्स होते हैं, यहाँ पे एक चीज होती है जो कि अगर किसी इंसान को काट लेती है, मतलब थोड़ा भी बाइट कर लेती है, तो वो घोल बन जाता है और उन लोगों की आंखें होती हैं लाल जो कि इंसानों का मांस खाती है, मतलब मीट खाती है। अब भाई यहाँ पे जब हमारे मतलब मेन कैरेक्टर जो है वो घोल बन जाता है और अभी वो भाई बहुत सारे लोगों का शिकार कर रहा है। एंड अभी देखना है यहाँ पे क्या चीज होने वाली है, क्या वो घोल्स की तरफ रहेगा या क्या वो इंसानों की तरफ रहेगा। अब ये सब जानने के लिए तुम्हें देखना होगा टोक्यो घोल। काफी मस्त एनिमे है, थ्रिल इसमें कितने एक से एक देखने को मिलता है, ट्विस्ट सीन से एक से एक देखने को मिलता है। मेन कैरेक्टर अच्छाई की तरफ जाएगा, बुराई की तरफ जाएगा, क्या करने वाला है मेन कैरेक्टर, फाइट सीन्स एक्शन सीन्स भी तुम्हें भर भर के देखने को मिलते हैं, तो चेकआउट जरूर से करना। ये वाला एनिमे भी काफी मस्त एनिमे है। अब तीसरा एनिमे है हमारा पैरासाइट। अब पैरासाइट का एक लाइव एक्शन मूवी भी है जो कि तुम देख सकते हो, बट ये एनिमे भी है। अब यहाँ पे एक किसी दूसरी प्लैनेट से एक छोटी सी चीज आती है जो कि किसी एक इंसान के अंदर घुस जाती है जो कि होता है हमारा मेन कैरेक्टर। अब पैरासाइट तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है, बट मतलब पूरे पूरे माइंड को कंट्रोल कर सकती है, बट हमारे मेन कैरेक्टर जो होता है वो उसे उस पैरासाइट को ही कंट्रोल कर लेता है। लेकिन पैरासाइट कंट्रोल सिर्फ उसके एक छोटे से पार्ट ऊपर पाता है जो होता है उसका हाथ। अब भाई उसके हाथ जो जो चीजें करते हैं वो बहुत ही खतरनाक चीजें होती है, तो चेकआउट जरूर से करना क्या होने वाला आगे इस एनिमे में। काफी बढ़िया एनिमे ये भी है, मैंने देखा है, मुझे काफी बढ़िया लगा है और ट्विस्ट प्लॉट लाइन मतलब ट्विस्ट बहुत सारे मिल देखने को मिल जाते हैं भर भर के, तो चेकआउट जरूर से करना, काफी मस्त एनिमे ये भी है। अब जो हमारा नेक्स्ट एनिमे, तो मजा आ जाएगा देख के ये एनिमे भी, चेकआउट जरूर से करना, मजा आ जाएगा। अब जो हमारा पांचवा एनिमे वो सारे थ्रिलिंग एनिमे ट्विस्ट एनिमे का बाप है, जिसका नाम है क्लासरूम ऑफ द एलीट। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर है आयोना कोजी, जो कि भाई स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि नॉर्मल लड़का शांत रहता है, कुछ भी नहीं करता, लेकिन लास्ट में जो चीजें तुम्हें देखने को मिलने वाली है इस एनिमे में, तुम मतलब फैन हो जाओगे, तुम सर्च करोगे लास्ट में कि भाई मुझे इसके जैसे और एनिमे बता दे। तो ये बहुत औसम एनिमे है, मतलब यहाँ पे दिखाया गया है हमारे उसी मेन कैरेक्टर की कहानी कि वो कैसे एक नॉर्मल लड़के से बहुत ही खतरनाक लड़का बन जाता है। नहीं, मैंने ये एनिमे देखा है, ऐसे हवा हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, चेकआउट जरूर से करना, काफी बढ़िया एनिमे। तो हाँ, ये थे वो टॉप 5 एनिमे जो कि तुम लोगों को देखने चाहिए अगर तुम लोग थ्रिलर एनिमे के फैन। चेकआउट जरूर से करना भाई, सारे के सारे एनिमे थ्रिलर एनिमे हैं और काफी ज्यादा मस्त एनिमे हैं। अब अगर तुम लोग और थ्रिलर एनिमेस को जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बताना और मैं उनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। और भाई देखो, मैं बेसिकली बहुत से लोग भाई हेट ट्वीट करते रहते हैं कि मैं किसी एनिमे का नाम नहीं लेता, तो मुझे सुनाने लगते हैं कि भाई ये एनिमे नहीं लिया, ये एनिमे नहीं लिया। अब बेसिकली भाई एक इंसान हूँ, भाई मैं कितने एनिमे देख सकता हूँ एक टाइम पे,
मैं एक देख सकता हूँ, दो देख सकता हूँ। अब तुम लोग मुझे वन पीस सजेस्ट कर देते हो, अब मैं वन पीस देखने बैठूंगा, फिर कोई बोलता है कि ये भाई ये देख पहले, ये एनिमे देखा नहीं है पहले ही बता। भाई मैं तुम लोगों को सजेशन देने आता हूँ, जो एनिमे मैंने देख रखे मैं उनके बारे में बताता हूँ तुम्हें, जो एनिमे मुझे नहीं पता मैं उनके बारे में तुम्हें कैसे बताऊंगा भाई, मैं उन एनिमेज का नाम भी नहीं लेता। तो दैट्स वाई बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई इस एनिमे का नाम ले लिया, इस एनिमे का नाम लिया। चिल मारो, अगर मैं उस एनिमे को देखूंगा तुम लोग बस कमेंट कर दो कि भाई इस एनिमे को देखो और मैं आगे बताऊंगा फिर उस एनिमे के बारे में भी। और बहुत एक बंदा बोल रहा था कि टोक्यो रिवेंजर्स छपरी बंदे देखते हैं। भाई पता नहीं कैसे बंदे हैं भाई, एनिमे है, एनिमे हर कोई फैन देखता है, हर किसी का अलग जॉनरा होता है, तो ऐसे किसी को सजेस्ट मतलब क्रिटिसाइज मत करो। तो हाँ यही था आज की वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है अपन, तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर वो एनिमे या फिर मूवी या फिर सीरीज में इंटरेस्ट रखते हो। अब जेई आईआईटी वालों को मत शेयर करना क्योंकि वो लोग ऐसा कुछ नहीं देखते। तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।